जो फिलहाल प्रोसेस शुरू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अमाउंट जो किस्तें आज कमेटी द्वारा दी गई है पहली किस्त देने की, तो अभी आगे किस तरह की प्रोसेस जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को करना है, डिफरेंस है क्या सही में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया हज का जो अमाउंट है वो कम की है कि वहाँ पहुँचने पर एक हाजी को खर्च करने के लिए तकरीबन 2100-2200 रियाल वहां से दिया जाता था, क्या वो इस बार भी दिया जाने वाला है? आपने बताया कि 500-550 लोगों का अभी तक जो चयन हो चुका है, सिलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या चांसेस है कि दूसरी लिस्ट भी हज कमेटी ऑफ इंडिया जारी करेगी? अब जब वहां पर पहुंच गए है तो पहले दो टाइप के जो है, एक ग्रीन होता था, एक अजीजिया होता था, अभी लेकिन कैटेगरी दो ना होते हुए सिर्फ एक ही है, तो इस कैटेगरी में हरम से कितने दूर, कितने डिस्टेंस पर हाजियों को रूम दिया जाएगा, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास है? उनका फ्लाइट में जाने का मामला है, फ्लाइट में अगर जाते हैं तो सवाल आता है वजन का, तो एक हाजी कितना वजन लेके जा सकता है, कितना वजन वहां से वापस लेकर आ सकता है? और साथ ही मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, बैग को लेकर भी कुछ ना कुछ जो है सवालात लोगों के बीच में है कि पिछले साल लोगों को बैग दिया गया था हज कमेटी द्वारा, तो क्या इस बार भी जो है वो सुविधा हजियों को मिलने वाली है? हज 2023 की लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट आने के बाद जो हाजियों का जो जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया है या जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया है, तो जिन लोगों का नहीं आया है तो क्या दूसरी लिस्ट वापस से हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो जारी करेगी? ऐसे कई सवाल और हज को लेकर कई सवालात जो है, प्रोसेस को लेकर कई सवालात लोगों के मन में हर साल रहते हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हज कमेटी ऑफ इंडिया उसमें तब्दीली होती रहती है, तो उन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज हम कामटी में यहाँ मौजूद है, तंजीम खादिमुल हुज्जाज विदर्भ कामटी के ऑफिस में हमारे साथ सानी सर भी है और उनकी पूरी टीम में बात करेंगे उनसे। सानी सर, हर साल कुछ ना कुछ रूल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया चेंज करती है, इस बार क्या चेंज हुआ है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि हज कमेटी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, कितने लोग नागपुर जिले से या मैं कहना चाहूँगा कामटी से अब तक के सिलेक्ट किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस साल जो है 31 मार्च को कुरा हुआ और उस 31 मार्च के कुरा के अंदर में पहली लिस्ट जारी की गई, जिसके अंदर में नागपुर ज़िले से तकरीबन 450-550 हाजी जो है उनका सिलेक्शन हुआ है, और हमारे शहर से यानी कामटी से जो है वो अभी जो पता चला है तो तकरीबन 100 यानी 65-70 लोग जो है वो तो कंफर्म हमको पता है, और बाकी लोग वेटिंग के अंदर में और बहुत करीब की वेटिंग है, तो ऐसी उम्मीद है कि इन साल हमारे शहर से तकरीबन 100 हुज्जाज इकराम जो है वो यहाँ से यानी इंशाल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे। जैसा कि आपने सवाल किया कि हज कमेटी की जो पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंज आते हैं क्या, तो हज कमेटी का एक रूल है, जैसे कि 5 साल के लिए वो एक पॉलिसीज को बनाते हैं, तो वो जो पॉलिसी है अभी वो चल रही है उसके अंदर में कोई ऐसा तो खातिर ख्वाह बदलाव नहीं आया है। हाँ, इतना बदलाव आया है कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल जो है बहुत कम हुज्जाज इकराम का सिलेक्शन हुआ था और हमको कोटा भी बहुत कम मिला था, तकरीबन 20-25 हज़ार का ही कोटा था, लेकिन इस साल वो कोटा बढ़ करके 2.25 लाख हुज्जाज इकराम का हो गया पूरे इंडिया का। तो उसमें भी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को 80% कोटा दिया है तकरीबन, और 20% कोटा जो है वो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स को दिया गया है, तो अभी जो कुरा हुआ है वो उसी 80% कोटा के अंदर में हुआ है। तो इसके अंदर में अभी यानी तकरीबन हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट से 500-550 हुज्जाज इकराम का सिलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से आपने बताया कि 500-550 लोगों का अभी तक जो चयन हो चुका है, सिलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या चांसेस है कि दूसरी लिस्ट भी हज कमेटी ऑफ इंडिया जारी करेगी? जी देखिए, पहला जो अभी कुरा हुआ तो इसके अंदर में जितना कोटा था हमारे महाराष्ट्र का, उस कोटे के हिसाब से सिलेक्शन करके सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर में हमारे कोटे से कहीं ज़्यादा यानी अप्लीकेशंस आई थी, तो अब सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बाकी जो लोग बचे हैं उन लोगों को वेटिंग में डाला गया है।
तो अब जो ऐसे जो सिलेक्टेड हुए हैं, अब किसी वजह से उनमें से कुछ कैंसल होते हैं या हमारे भारत के दूसरे स्टेट से किसी कारणवश कुछ और लोगों का यानी रिजेक्शन होता है या वहाँ से कोटा बचता है, तो वो कोटा फिर से हमारे को मिलता है महाराष्ट्र को। तो फिर वो जब कोटा मिलता है तो हज कमेटी इन वेटिंग लिस्ट के अंदर में जो लोग हैं उन लोगों को क्लियर करती है। तो जब यानी वो कोटा हमको मिलेगा, यानी खाली सीट्स जो रहेगी, तो खाली सीट्स का जो कोटा मिलेगा तो उस कोटे के एतबार से फिर से हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो लिस्ट को जारी करेगी, इसके अंदर में और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। तो सेकंड लिस्ट तो इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर डिस्प्ले होगी। पिछले कुछ समय से खबरों में चल रहा था कि इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,00,000 रुपये कम करने वाली है, फिर उसके बाद चला कि 50,000 रुपये कम किए गए। तो एक्चुअल में पिछले कुछ सालों में और अभी 2023 के अमाउंट में कितना डिफरेंस है, क्या सही में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया हज का जो अमाउंट है वो कम की है? जी हाँ, पिछली मर्तबा कोटा कम था तो इसलिए अखराजात ज़्यादा लगे, है ना। और सऊदी हुकूमत जो होती है उनके अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंदर में कुछ अमाउंट उनकी तरफ से बढ़ता है। ये हमारे हज का में हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो उसकी तरफ से कुछ भी अमाउंट का कम ज़्यादा नहीं होता है। जो कम ज़्यादा होता है वो उधर ऊपर से आता है, वही लोग मुझे हाजियों को बता देते हैं। तो पिछली मरतबा कोरोना काल की वजह से और कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी सऊदी हुकूमत की तरफ से हुई थी, तो इस वजह से अमाउंट तो बढ़ा था, है ना, बहुत अमाउंट बढ़ा था। इस बार हमारी हुकूमत की कोशिशों की वजह से अमाउंट में कमी तो आई है, 50,000-60,000 रुपये की अमाउंट के अंदर में कमी अल्हम्दुलिल्लाह आई है, ऐसा यानी अब तक के तो रिपोर्ट है। एक सवाल ये भी है कि वहाँ पहुँचने पर एक हाजी को खर्च करने के लिए तकरीबन 2100-2200 रियाल वहाँ से दिया जाता था, क्या वो इस बार भी दिया जाने वाला है? देखिए, ये हज कमेटी की पॉलिसीज के अंदर में है, है ना। अब अभी तक के जो हमको रिपोर्ट्स हैं जो हमको सर्कुलर के जरिए, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने सारी इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in इसके ऊपर में डिस्प्ले करती है, उनमें सर्कुलर्स डालती हैं। तो वो सर्कुलर्स के एतबार से और जो गाइडलाइंस डाली गई है उसके अंदर में तो ऐसा है कि शायद वो जो पैसा मिलता था एयरपोर्ट पर वो इस साल नहीं मिलेगा। लेकिन एक सहूलत का मैंने पढ़ा है कि एक ऐसी सहूलत दी जाएगी कि अगर कोई हाजी चाहता है कि उसको यहीं पर रियाल मिल जाए तो जितना उसको चाहिए तो कम से कम 1500 रियाल जो है वो हज कमेटी देगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपको गालबन पैसा भरना पड़ेगा, तो जितना पैसा आप भरोगे उसके हिसाब से आपको रियाल मिल जाएगा। अभी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है, अब जैसे आगे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा तो हज कमेटी की तरफ से क्या नया सर्कुलर आता हुआ है, तो पहले कुछ बोलना ये समझ लीजिए क्या बोलेंगे अपन, उनको जबानदार हाजी हो जाएंगे, है ना। तो मतलब पैसे भी कम हुए हैं और अभी जो पैसे मिलते थे वहाँ पे 2100 रियाल अभी उसका क्लियर नहीं है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये तो हुई अपने यहाँ की बातें। अब जब वहाँ पर पहुँच गए है तो पहले दो टाइप के जो है, एक ग्रीन होता था, एक अजीजिया होता था, अभी लेकिन कैटेगरी दो ना होते हुए सिर्फ एक ही है। तो इस कैटेगरी में हरम से कितने दूर कितने डिस्टेंस पर हाजियों को रूम दिया जाएगा, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, पहले जो है ग्रीन और अजीजिया दो कैटेगरी थी। ग्रीन का मतलब होता था कि हरम के आसपास 700 से 1500 मीटर के आते के अंदर में आपको बिल्डिंग मिलती थी तो उसको ग्रीन बोलते थे। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि हरम का जो एक्सटेंशन का काम चल रहा है और उनका आगे और एक्सटेंड करना है, तो ग्रीन कैटेगरी लगभग ख़त्म जैसे है और इंडियन हुज्जाज इकराम को सिर्फ अजीजिया में रखा जा रहा है। अजीजिया वहाँ का एक इलाका है, वहाँ का मक्के का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर पूरी हुज्जाज इकराम के स्टे के लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है जो हरम से तकरीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। लेकिन हरम तक पहुंचाने के लिए यानी वहाँ से बस की फैसिलिटीज़ होती है, आपकी जहाँ बिल्डिंग है वो बसेस जो होती है वो कंटिन्यू हर मिनट में बस होती है,
आपकी बिल्डिंग से मैं समझता हूँ कि 10 कदम हद हो गई, हद हो गई तो 50 कदम के डिस्टेंस के ऊपर में आपको बस स्टॉप मिलेगा, वहां से आप बस से बैठ करके सीधा हरम, सीधा आप हरम पहुंच जाओगे कंटिन्यू 24 आवर्स। यानी जैसे एक आम बात होती ना 24/7 वैसा है 20/7। कितनी भी मरतबा आप जो है, आप 10 मरतबा 25 मरतबा, उसके लिए आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वहाँ टिकट नहीं खरीदनी होती है, जो आप अमाउंट दे रहे हो यहाँ आज कमेटी में, आप जो अमाउंट भरोगे उसी अमाउंट के अंदर में उसका पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो मतलब एक बार दो और पूरा उसका ले लो, यानी कि आप जितने भी बार जाओ 100 बार जाओ जी। टाइम पीरियड कुछ डिसाइड किया गया है कि 35 दिन 40 दिन 45 दिन ऐसा कुछ अभी आया है? अभी जो गाइडलाइन सच कमेटी ने रिलीज की है उसमें उन्होंने 30 से 40 दिन का वक्त दिया है। तो अभी अपन कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कितने दिन वहाँ पर हमें हमको रखा जाएगा, लेकिन 30 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं, इस दरमियान में रहेगा इंशाल्लाह। ये तो ही रूम के डिस्टेंस की बातें। अब ये है कि कोरोना काल था, इससे पहले रूम में एक रूम में जो ज़्यादा लोगों को रुकाया जाता था वो अभी गाइडलाइन हटाकर कम लोगों को रुकाया जा रहा था। तो इस बार के क्या स्टेटस है, एक रूम में कितने लोग कितने हाजिर रह सकेंगे? देखिए अल्लाह के करम से कोरोना वबा जो है, इस वबा से हम लोग काफ़ी हद तक के पूरी दुनिया जो है वो पार पा चुकी है, तो हर जगह के रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कम हो चुके हैं। तो हज कमेटी ने भी या सऊदी हुकूमत ने भी पुराने जो वजह थी हमारी कि एक रूम में 4 लोग 5 लोग कम से कम 4 लोग स्टे किए करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी रूम में 7 लोगों ने भी स्टे किया है ना, तो रूम की ने उसके ऊपर में और सऊदी हुकूमत का जो साइज़ दिया हुआ है वो साइज़ की मुनासिबत से रोकेंगे, तो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए हैं और एक रूम में 4 से 7 लोगों तक के रहने की उम्मीद है। तो ये तो अभी बहुत दूर चले गए हम लोग। अभी जो फिलहाल प्रोसेस शुरू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अमाउंट जो किस्तें आज कमेटी द्वारा दी गई है पहली किस्त देने की, तो अभी आगे किस तरह की प्रोसेस जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को करना है? बहुत बेहतरीन सवाल किए आपने, क्योंकि जाजे क्राम सिलेक्शन के बाद में आगे क्या करना है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि कोई परेशानी का काम नहीं है, हम तो सबसे पहले उन जाजे क्राम को जिनका सिलेक्शन हुआ है मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ गुआ है कि अल्लाह उनके हज को आसान बनाए, है ना। और आप हज की दुआएं भी पढ़ेंगे तो उसमें भी सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने आसानी की दुआ मांगने के लिए कहा है, तो जब अल्लाह ने आसानी की दुआ मांगने के लिए कहा है तो अल्लाह हर चीज़ को आसान कर देगा। तो कोई प्रोसेस मुश्किल नहीं है। अभी जैसी सिलेक्शन हुआ उसी दिन सर्कुलर नंबर 8 आया। सर्कुलर नंबर 8 के अंदर में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन दी है कि आपको पहली किस्त जो एडवांस अमाउंट है इसके अंदर में 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी शामिल है, ऐसा कुल मिला करके सबसे पहले जाजे कराम को पहली किस्त के तौर पर 81,800 रुपये भरना है। अब ये पैसे दो बैंकों में से किसी एक बैंक में भरना है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप भर दीजिए या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अब इसमें जाजे कराम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारा तो वहाँ अकाउंट नहीं है, तो आपका वहाँ अकाउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसला कैसा हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है किसी बैंक में, मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मैं आपके अकाउंट में कोई भी बैंक से जा कर के पैसे डाल सकता हूँ, है ना। तो वैसे ही यानी इन दो बैंकों में से किसी भी बैंक में जा कर के हाजी अपना अमाउंट जो पे कर सकता है, उसके लिए पे इन स्लिप लगती है। तो तमाम उज्जात से दरख्वास्त है कि इधर उधर परेशान होने की बजाय वो हमारी ऑफिस जो गोल बाजार के अंदर में है वहाँ आकर के आप हमसे वो स्लिप ले सकते हैं। यहाँ पर शमीम सर हैं, हमारे मतीन भाई हैं, शमीम सर हमारे खाजिन हैं, मतीन भाई हमारे सचिव हैं, ठीक है, और मैं जो है जॉइंट सेक्रेटरी हूँ या सर सचिव की पोस्ट पर हूँ। हम लोग यहाँ पर रोज तरावी बाद बैठ रहे हैं, है ना, रोज 9:30 बजे से लेकर के तकरीबन 12:30 बज रहा है। तो कोई भी हाजी इस दरमियान में आ करके हमसे वो स्लिप ले ले, हम भर के भी देते हैं, हम वो स्लिप भर के देते हैं, तो वो स्लिप हम भर के देंगे, आप जा कर के बैंक में पैसा भर दीजिए, पहला काम हुआ। दूसरा काम मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट आपको हासिल करना है, वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर से। जैसे अब कामटी के अंदर में हमारा म्यूनिसिपल PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं हम उसको, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर अरेंजमेंट है
जो भी जैसे यात्राओं पे जाने वाले लोगों के लिए एक डॉक्टर अपॉइंटेड है, तो वहाँ सुबह 8:45 बजे आप पहुँच जाएँ, वहाँ पर आप टिकट बनवाएं, टिकट बनवा करके आप जो है वहाँ पर पूरा टेस्ट करवा लें। हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कमेटी ऑफ इंडिया ने दी है वो भी हमारे पास है, वो हमसे ही लेके जाएं, वो हमसे टिकट लेकर के जाएं और वो वहाँ पे जमा कर दें। वहाँ पूरा टेस्ट होने के बाद में एक या दो दिन के दरमियान में वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम अल्लाह जजाए खैर दे मतीन भाई को और हमारे शमीम सर को और हमारे नासिर भाई को कि ये लोग वहाँ गए, वहाँ जा कर के डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए, तो डॉक्टर ने जो है फौरी तौर पर हाजियों को इन्हें काम करके दे रहे हैं। अल्लाह इनको खूब जजाए खैर दे, इनकी नस्लों को भी आबाद रखे, ठीक है, कि ये लोगों ने जाकर के वहाँ कोशिश की। मैं कुछ मजबूरी के चलते नहीं जा पाया, लेकिन फ़ोन पे मेरा भी कांटेक्ट रहा शबनम मैडम से या बाकी डॉक्टरों से भी, तो वो लोग तुरंत में करके दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट साइन करके देंगे। तो अब पहली चीज़ आपने पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट की स्लिप, दूसरी चीज़ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद तीसरी चीज़ आपने जो फॉर्म भरा था तो फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है उस पर बाकायदा पूरा हर जगह साइन उन करके वो, उसके बाद में आपने फॉर्म में जो भी बैंक अकाउंट डिटेल दी थी वो बैंक अकाउंट का कैंसल चेक या उसकी पासबुक, आपका अपना आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना ये फॉर्म के साथ में लगाना है, और उसको स्टेट हज कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मुंबई, वहाँ पर पोस्ट करना है, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर में ऐसे लग रहे हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट की जेरोक्स लगेगी, ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट के पीछे में फ़ोटो लगेगा, ये सारी प्रोसेसिंग हाजी यहाँ आ जाए हमारे ऑफिस में, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम अपनी मिसाद के मुताबिक उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको पूरा फॉर्म इकट्ठा और अरेंज करके देंगे, और बाकायदा हम उनको पोस्ट करेंगे या हम अपना बंदा भेज करके उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को मुंबई में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम तमाम उज्जात से जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये वीडियो बना करके हुज्जाज तक की ये बात को पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुल 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे मैं फिर से गिना देता हूँ अगर आप इजाज़त दे दो, मुझे आप लिस्ट दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो वो 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो 8 डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले करके यहाँ पर आ जाएँ, हम वहाँ पूरा फॉर्म को अरेंज करके उसको यानी भेजने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो हो गई पूरी प्रोसेस की बात, इस बार जो है हज का जो है थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया है कि न जाने किस वजह से, तो अब रमज़ान महीना चल रहा है, मैं समझता हूँ 1.5 महीने में जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट करके स्टार्ट हो जाएगा जो रवानगी का सिलसिला। इस बीच में जो हाजियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कैंप लगाए जाते थे, उसका किस तरह से इंतज़ाम है, क्या इस बार होने वाला है या नहीं होने वाला है? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 3 ट्रेनिंग तो हर हाजी के लिए कंपलसरी करके रखी है, ये उनके बायलॉज में ही है, उनके रूल्स में, रेगुलेशंस में, तो 3 तो ट्रेनिंग हाजी को करनी ही है, है ना। तो अब उसके लिए वो ट्रेनर्स को भी सिलेक्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तंजीम से भी कई लोग जो है हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी के ट्रेनर के तौर पर सिलेक्ट होते हैं, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, हाजी रशीद साहब भी रहते हैं और शमीम सर वगैरह भी रहते हैं। तो हम लोग अभी रमज़ान है, ये पहले पूरे हाजियों का जो पहले ही ज़रूरत है पेपर्स वगैरह वर्क करना, ये करने के बाद इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारी तंजीम की तरफ से भी ट्रेनिंग यहाँ भी होगी, नागपुर में भी होगी, और दूसरे एनजीओस भी हैं जैसे कामटी के अंदर में हमारे तबलीगी साथी हैं, जमीयत उलमा हैं, तो ये लोगों की भी ट्रेनिंग कैंप होते हैं। मैं तमाम उज्जाज कराम से इन्हें ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ और बहुत दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जितनी भी ट्रेनिंग होगी सब होगी इंशाल्लाह, 1 महीने के गैप के अंदर में पूरी ट्रेनिंग होगी, उसमें हर चीज़ बताई जाएगी, है ना। और इवन मुंबई से भी लोग आते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर में, तो मुंबई से भी आएंगे, स्टेट हज कमेटी से भी लोग आएंगे और वो भी हाजियों को पूरा गाइडलाइंस देंगे, है ना। तो इसीलिए मैं तभी तमाम मुंतखब आजमीन से और जो करीब की वेटिंग में उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग हो, मैंने एक बात बताना आपको भूल गया कि हमने ग्रुप भी बनाया है और सारी इंफॉर्मेशन हम उस ग्रुप में डालेंगे, तो जाज इकराम जहाँ भी ट्रेनिंग हो बिल्कुल पहुँचे, और ट्रेनिंग तो इंशाल्लाह बिल्कुल लेंगे हम अपने हाजी को फुल ट्रेन करके भेजेंगे इंशाल्लाह। जियो का फ्लाइट में जाने का मामला है, फ्लाइट में अगर जाते हैं तो सवाल आता है वजन का, तो एक हाजी कितना वजन लेके जा सकता है, कितना वजन वहां से वापस लेकर
आ सकता है। और साथ ही मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, बैग को लेकर भी कुछ ना कुछ जो है सवालात लोगों के बीच में है कि पिछले साल लोगों को बैग दिया गया था हज कमेटी द्वारा, तो क्या इस बार भी जो है वो सुविधा हजियों को मिलने वाली है? देखिए, फ्लाइट्स जो है तो इंटरनेशनल एविएशन रूल्स जो है उनके इस हिसाब से चलते हैं, लेकिन हाजियों को जो है थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। तो एक हाजी को ये रियायत है कि वो अपने साथ में 40 किलो वजन लगेज के तौर पर और 7 किलो हैंड बैग के अंदर में, 7 किलो, पहले 10 था, इस साल 3 किलो कम कर दिया गया, तो 7 किलो से जो है वो हैंड बैग में जो कि छोटा बैग होगा जो वो अपने साथ में फ्लाइट के अंदर में रख सकते हैं, और बाकी 2 बैग रहते हैं, 20 किलो 22 किलो से ऊपर का वो बैग नहीं होना, यानी एक बैग का वजन 22 किलो, टोटल वजन 22 किलो होना चाहिए, हाँ, साथ में सामान और बैग का मिला करके 22 किलो एक से ऊपर का वजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी 2 बैग ले जा सकते हैं, उनके नॉर्म्स वगैरह दिए हैं जो हम ट्रेनिंग के अंदर में उनको बैग दिखाएंगे इंशाल्लाह। रहा सवाल की हज कमेटी ऑफ इंडिया, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो दे रही थी गुज़िश्ता साल भी दी है, चार्जेस लेकर के वो दी हैं, लेकिन इस साल वो देंगे नहीं देंगे ये अभी तक के कोई क्लियर नहीं है। वो अपने सर्कुलर के जरिए ऐसे ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो वो सर्कुलर आएगा तो उसके अंदर में तुमको बताएंगे, क्योंकि वक्त कम होने से अब 1.25 लाख हाजियों का बैग बनाना, किसी को ऑर्डर देना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने चाहा और हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहता है, तो गवर्नमेंट का भी अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह साथ तो रहेगा ही रहेगा, तो वह है ही साथ में, तो हमारी भारतीय सरकार जो है वो भी यानी इस मामले के अंदर में आगे बढ़ कर के अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मिल भी सकता है, तो हाजी अपना चार्ज दे करके हज कमेटी से बैग भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्लियर नहीं है, ये आगे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तरबियती कैंप की जो हमारा होगा ट्रेनिंग कैंप, मुंबई के जो लोग आएंगे तो वो लोग जो है इस चीज़ की भी पूरी कंप्लीट वजाहत कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, काफ़ी मैं समझता हूँ कि वीडियो भी लंबा हो गया है, और लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना था, जो सिलेक्टेड लोगों तक, हाजियों तक पहुंचना था, मैं समझता हूँ ये वीडियो के माध्यम से ज़रूर हमने सारी चीज़ें जो है इसमें कवर कर ली, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप तमाम का शुक्रिया जो मैं देख रहा हूँ अभी भी रात में 1 बज रहा है और यहाँ बैठ कर लोगों को खिदमत दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर ये इनका जो ऑफिस है गुजरी बाजार कामटी में, रात में तरावी बाद रमजान होने की वजह से तरावी बाद आप यहाँ पर आकर, ये तकरीबन 12:30 बजे तक जो है यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आकर जो भी सवाल है आपके और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।